गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं आई हूँ भोपाल, और अभी फिलहाल मैं जिस पॉइंट पे खड़ी हूँ वो है सांची। और अभी मैं यहाँ से सांची के लिए ट्रेवल करने वाली हूँ। पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं टिकट काउंटर है, क्योंकि एक्चुअली मैं भोपाल अपने कुछ ऑफिशियल काम से आई थी, बट फिर मैंने सोचा कि चलो भोपाल आई ही हूँ तो सांची क्यों ना घूम लिया जाए। तो आज मेरे साथ मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। इधर आओ। हाय, सो ही इज विवेक। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, क्यों ना इनकी हेल्प ले ली जाए और साथ में घूम लिया जाए। राइट, भोपाल से थोड़ा पास है, नजदीक ही है घूमने का। हाँ, तो आज हम सांची घूमने वाले हैं और देखते हैं कैसा है। सांची स्तूपा, एंड यहाँ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि सांची स्तूपा क्यों, कब और किस लिए बनाया गया था और किसके थ्रू बनाया गया था। सो बने रहिए वीडियो के साथ। सो गाइस, जब आप सांची के अंदर आते हैं तो बेसिकली अंदर आकर आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा। बेसिकली यहाँ से आपको टिकट लेना होगा, और ये टिकट है 40 रुपीज का, ठीक है। और इस टिकट में आप सांची स्तूपा के लिए अंदर जा सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, सांची मध्य प्रदेश में स्थित है, और सांची स्तूप एक पवित्र बौद्ध स्थल है जिसे चैत्य के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की पूजा आराधना की जाती थी, और भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया था। बेसिकली सांची में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी लोगों को। और सांची का निर्माण मौर्य साम्राज्य के शासक राजा अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। और सांची का जो निर्माण है, वो बेसिकली उसका निर्माण करने का जो कार्य है राजा अशोका ने, वो अपनी पत्नी को देवी साक्या कुमारी को सौंपा था। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों यहाँ पे, कि राजा अशोक की जो शादी है वो बेसिकली सांची में ही हुई थी। सांची को पहले ईंटों से बनवाया गया था, फिर बाकी बाद में सुंग काल में इसे पत्थरों से ढक दिया गया था। द्वारों पे बनाई गई जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, बेसिकली सांची में चार गेट हैं, चार मुख्य द्वार हैं, जिनमें बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। तो जो भी कलाकृतियाँ बनवाई गई हैं, और द्वार का यानी कि गेट का जो आकार है, वो बेसिकली सतवाहन के राजा सत्यकर्णी द्वारा निर्धारित किया गया था। फिर अगर हम बात करें कि सांची का जो परिनिर्माण है, तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि सांची के महापरिनिर्माण के दौरान महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को पूरे विश्व में फैलाकर स्तूप का निर्माण किया जाए। बेसिकली दोस्तों, सांची का जो स्तूप है वो भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। तीसरी शताब्दी में निर्मित सांची स्तूप 14वीं शताब्दी तक आते आते पूरी तरह से निर्जन हो गया था, यानी कि खराब स्थिति में चला गया था, क्योंकि इसके संरक्षण के लिए कभी भी किसी भी शासक ने ध्यान नहीं दिया। बट फिर इस स्तूप का जो खोज है, वो बेसिकली ब्रिटिश के एक अधिकारी जनरल टेलर के द्वारा ईयर 1818 में सांची की खोज की गई थी। और इसके बाद फिर ब्रिटिश शासकों ने सांची स्तूप के पुनर्निर्माण के लिए, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए, इसका जो काम है, रिकंस्ट्रक्शन का जो काम है, वो सर जॉन मार्शल को दिया। और सर जॉन मार्शल को जब ये काम मिला, तो उन्होंने सन 1912 यानी कि 1912 से 1919 के बीच में सांची स्तूप के पुनर्निर्माण के कार्य को अंजाम दिया। और गाइज, सांची स्तूप की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो 21.64 मीटर है। जी हाँ, 21.64 मीटर है। और इसका जो व्यास है वो लगभग 36.5 मीटर है, ठीक है। यहाँ हम बात कर लें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर चार मुख्य गेट है, यानी कि चार दौड़
ये दौड़ द्वार है जिस पर भगवान बुद्ध के जीवन से लेकर परिनिर्वाण तक की पूरी कथाएं चित्रित की गई है, यानी कि चित्रों के माध्यम से बताई गई हैं। ईयर 1919 में सर जॉन मार्शल ने इसे संरक्षित करने के लिए, यानी कि सांची को संरक्षित करने के लिए, पुरातात्विक संग्रहालय की भी स्थापना की, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। स्तूप के निकट ही अशोक स्तंभ भी है, जिसमें सारनाथ की तरह शेर के चार शेर शामिल हैं, है ना, यानी कि शेर के चार फेस हैं जो कि चारों दिशाओं की तरफ घूमे हुए हैं। और सांची में स्तूप पर ब्राह्मी लिपि से लिखे हुए सारे के सारे लेख अवेलेबल हैं। यानी कि आपको मैं एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि सांची जब आप आते हैं, अगर आप रेलवे स्टेशन में हैं या फिर आप सांची के अंदर घूम रहे हैं, तो भी आपको जो भी लिपि मिलेगी मिलेगी वो बेसिकली ब्राह्मी लिपि है। यानी कि पूरे नॉर्थ इंडिया में बेसिकली तीन तरह की लैंग्वेज यूज़ होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, लेकिन सांची आने पे आपको एक बहुत खास चीज़ मिलेगी और वो है ब्राह्मी लिपि। फिर इसके बाद ईयर 1989 में सांची को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था, यानी कि यूनेस्को ने सांची को विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया, और तब से अभी तक सांची पूरी तरीके से संरक्षित है। एंड काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है इसकी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बेसिकली ये जो पुराने साधु होते थे, भिक्षु होते थे, उनकी सबकी समाधियाँ हैं। आप देख रहे हैं ये सब समाधियाँ, और एक्चुअली यहाँ पे ऐसी बहुत सारी समाधियाँ हैं। पीछे तक देखिए। चुकी हूँ संग्रहालय में। ये है सांची का म्यूजियम, और अब मैं आगे चल के देखती हूँ कि आखिर म्यूजियम में क्या क्या है। वैसे एज यूजुअल सारी पुरानी चीजें होंगी, हिस्टोरिकल चीजें, है ना। तो चलिए, अब सांची स्तूप तो देख लिया, अब सांची संग्रहालय देखते हैं। गाइस, आज का जो मौसम है इतना सुहाना, इतना प्यारा मौसम है, यानी कि वो फवारे वाली छोटी छोटी सी बूंदों वाली बारिश हो रही है, और यू नो धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो घूमने में इतना मजा आ रहा है ना, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। No.